लर्निंग हो रही है यहाँ पे, उसमें जो है सारी क्लासेस का वो आ चुका है आपका सिलेबस, ठीक है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि आप रोज ही यहाँ बैठे रहो, आपने ये डिसाइड कर लेना है कि हफ्ते में एक क्लास एक दिन यानी आपने यहाँ पर जुड़ लेना। पहले तो ये था ना सिर्फ 6-7 तक का ही था, तो यही आते थे, कभी फॉर्म पर जाके, कभी मैथ पर जाके, कभी हिंदी वाले आगे, लेकिन अब ये सिलेबस जो है 9-12 भी आया। 9-12 में मैडम आप बता दीजिए इनको कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आए। हाँ जी मैम, ठीक है, वो सब्जेक्ट्स जो हैं इनको नोट करवा दो, आपको सब टीचर्स पता है ना कौन किस सब्जेक्ट का है। हाँ जी, है ना, आपने सुबह आते ही कल इनको लिख के दे देना है कि भी आपकी इंग्लिश की इस क्लास का आया हुआ है, 9th का इंग्लिश का आया हुआ है, 10th का हिंदी का आया, और जिस जिस सब्जेक्ट का भी आया हुआ है आप इनको नोट करवा दो, और वीक में एक क्लास इंश्योर करो कि हर एक ने ले ली कम से कम यहाँ पर। ये नहीं चुनता कि भाई हम यहाँ क्यों लेके आए बच्चे, इससे फ़ायदा हुआ है, आप एक बार लगा के देखो, मैंने भी देखा है बहुत बढ़िया, बच्चे बड़े इंटरेस्ट के बड़े आसानी के साथ सीख लेते हैं। एक रमेश जी यहाँ से बोर्ड आपने उठा लिया है, इस रूम में पड़ा था एक वाइट वो वापस वो किसके पास है, वो दिखाएगा स्क्रीन पे, साथ साथ जो है वो एलैबोरेट भी करेगा उस बोर्ड में, तभी बच्चों को समझ आएगी ना सिर्फ उस पे। कोई भी अगर फालतू कहीं भी बोर्ड मिलता है आपको दे देना, किसी का भी किसी का किसी को पा लेना, इधर सिक्योरिटी से दे देना, स्टार्ट तो करवाओ, कल लगवा देना एक बोर्ड मैडम, जरूर सर से ले लेना। तो ये जो है जरूरी, बहुत जरूरी। तीसरी बात